मैं तो ये चाहता हूँ 2027 तक भी योगी सरकार ही रहे। सरकार कहती है हमने 6 लाख नौकरियाँ दी हैं, सच है ये, मानते हो? बिल्कुल दिए उन्होंने। आपके गांव से कितने लड़के गए? कम से कम 3 लड़कों की तो अभी पोस्टिंग हुई है, एक तो जेई बन के गया है। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। सचिन जी क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? BSc कर रहा हूँ। BSc कर रहे हो? नौकरी वोकरी का फॉर्म डाला अभी तक कोई? अभी नहीं, अभी भर्ती निकली है। अच्छा, कौन सी, किस भर्ती? पुलिस की भर्ती? पुलिस, आर्मी, कुछ भी देख रहा है, भर्ती देख रहा हूं। अच्छा, प्रदेश में यहाँ पर कई सारे लोगों को देखते होंगे, तो एक युवाओं की बड़ी बात चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 26% युवा वोटर है जो सरकार बनाता बिगाड़ता है, तो कुछ सरकार की सुविधाएं समझ में आ रही हैं युवाओं को लेकर? क्या कुछ मुद्दे युवा कह रहे हैं? सरकार तो अभी बहुत कुछ कर रही है युवाओं के लिए और करेगी। कम से कम तुम्हारे मथुरा शहर में कम से कम 5-6 यूनिवर्सिटी बनवाई है योगी सरकार ने, और तुम्हारा अपने रोज जो रोड वगैरह हैं और उनका मतलब सही तरीक़ा से काम चल रहा है। मैं अच्छा। तो ये चाहता हूँ कि 2027 तक भी योगी सरकार ही रहे। 2027 तक योगी सरकार रहे। वोट बन गया? हाँ। वोट पहली बार दोगे? पहली बार नहीं, मैं दूसरी बार दूंगा, योगी को ही दूंगा। अच्छा, योगी को ही दोगे, लेकिन यहाँ से तो प्रत्याशी आपका पूरन पाल है। पूरन प्रकाश भी हमारे लिए बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ किया है उन्होंने और वो करेंगे भी। अच्छा, सरकार कहती है हमने 6 लाख नौकरियां दी हैं, सच है ये, मानते हो? यस, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल दिए उन्होंने। आपके गांव से कितने लड़के गए? हमारे गांव से अपने भगोले मतलब बघेलों से बता रहा हूँ, कम से कम 3 लड़कों की तो अभी पोस्टिंग हुई है, एक तो जेई बन के गया है और जो और अदरवाइज सरकार थी उसमें जातिवादी विरोध होता था, जैसे कि अपने अखिलेश यादव वाली सरकार होती है उसमें यादव की भर्ती होती थी, अब इस सरकार में सबका साथ सबका विकास। अच्छा, पर्चे वर्चे लीक हो जाते हैं, वो कुछ मुद्दा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये होता है कि ये केवल सरकार को गिराने के लिए ऐसा सब कुछ करते हैं, ये सरकार को गिराने के लिए इसकी वजह से करते हैं, ये कि सरकार गिरे इसकी। दूसरे लोग करते हैं ये, दूसरे अपोजिशन उन पे एक्शन क्यों नहीं ले पाती सरकार तो अपना पूरा काम कर ही रही है, बट ऐसा होता है कि ये विरोधी पार्टी होती है उनको मतलब गिराने के लिए ऐसा सब कुछ करती है। अच्छा, महंगाई लग रही है? कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया, तेल महंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, योगी सरकार होनी चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए, कैसे बढ़िया चल रहा है ये भी तो बता दो। बढ़िया ये है कि सब काम उसने गुंडागर्दी सब कुछ, शिक्षा विभाग सब चीज़ में अच्छा, वो व्यवसाय चल रहा है उसका, व्यवसाय चल रहा है अच्छा, अच्छी मतलब तरक्की मतलब अपने देश में अच्छा ही हो रहा है। अच्छा, और भी लोगों से, क्या नाम है? संजीव। संजीव क्या करते हो? क्लास 11 पढ़ते हैं। 11 पढ़ते हो, बहुत बढ़िया। कितने साल के हो अभी? अभी वो 16 का। 16 के हो, मतलब 2 साल बाद तुम्हारा वोट बनेगा, तुम भी वोट डालोगे। कुछ समझ में आता है जब ये लोग राजनीतिक बातें करते हैं? कुछ तो समझ में आता है, मगर थोड़ी इस समय ऐसा लगता है कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत लग रहा है तुम्हें? कैसे लगा ये सब चीज़ें? ये अब प्रेजेंट टाइम में देखो, जो पास्ट टाइम में 90 रुपये प्रति किलो तेल मिलता था, और अब देखो 200 रुपये प्रति किलो मिलता है, और तमाम चीज़ों को देख लो आप, बहुत तेरी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। अच्छा, तो ये महंगाई को कैसे कंट्रोल किया? 11 किस, कौन सा सेक्शन है या क्या, कौन सी स्ट्रीम है? PCM है तुम्हारे पास? इकोनॉमिक्स की थोड़ी नॉलेज रखते हो? थोड़ी बहुत। CBSE बोर्ड से हो, UP बोर्ड से? CBSE बोर्ड से। इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखते हो? थोड़ी बहुत है। महंगाई सरकारों के कंट्रोल में होता है या फिर और तरीके से महंगाई बढ़ती घटती है? महंगाई तो और तरीके से बढ़ती घटती है, मगर हाँ थोड़ा बहुत होता है सरकार का, थोड़ा बहुत सरकार का रोल होता है। जैसे लोग कहते हैं कि हम सरकार बदल देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी, तो ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, मगर कुछ सरकार को अलग करना पड़ेगा उसके लिए, कुछ अलग करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे एक बात और बताओ, अभी कुछ दिन पहले तक पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा था, ठीक है, जब चुनावों का टाइम आ गया तो अब पेट्रोल के दाम ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, मतलब कांस्टेंट लेवल पे हैं, तो ये कैसे क्या होता है, समझते ये कुछ के? ये कुछ सरकार का वो मिला जुला है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ ज़्यादा वोट मिले। बीच में तो उन्होंने बहुत से काम ऐसे कराए थे कि जो आप कह नहीं सकते, आप देख सकते हो पढ़ाई के लेवल्स जो गिरते जा रहे हैं इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर जो बच्चे हैं ना उनकी बिल्कुल कंडीशन बैड होती जाती है बिल्कुल, और इस टाइम पर आप देख सकते हो जो बच्चे हैं ना जैसे वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, 12th बढ़िया कर रहे हैं, मगर उनके लिए बहुत ही दिक्कत होनी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने टेस्ट पेपर्स नहीं दे पा रहे ढंग से और 12th के पेपर्स नहीं दे पा रहे, तो उन्हें इससे बहुत समस्या आती है। अभी तो स्कूल बंद चल रहा होगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या विजन है तुम्हारा, आगे का मोटिव क्या रखा है 11th 12th के बाद? फिर NDA ज्वाइन करूँगा। NDA ज्वाइन करोगे? ग्रेजुएशन के लिए क्या करोगे?
ग्रेजुएशन के लिए पहले कोई अच्छा सा स्कूल ढूंढेंगे। मेरे एक भैया पढ़ रहे हैं उन्हीं के, थोड़ा बहुत उन्हीं के उनमें। अच्छा, तो ये चीज़ें समझते हो। राजनीतिक क्षेत्र क्या कहता है, क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में? इस बार लग रहा है यूपी की, सर यूपी में जो सरकार पिछली वाली थी वो तो मुश्किल आएगी, क्योंकि आप देखें तो जो पढ़ाई की कंडीशन है वो गिरती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा, उसके साथ एक और है, जैसे जो ये रोजगार की बात करते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से बढ़ता जा रहा है, ये भी बढ़ता है, ये कैसे कंट्रोल होगा? अगर सरकार आपसे सुझाव मांगे तो क्या होता है? अगर अगर सरकार चाहे तो वो नई नई कंपनियां खुलवा सकती है और कुछ ऐसे कार्य करवा सकती है जिससे कि रोजगार जो है ये बेरोजगार है जो थमता जाए, और जैसे कि डेयरी और कपड़ों की फैक्ट्री आदि करवा सकती है, ये करवा सकती है। अच्छा, आपको पता है उत्तर प्रदेश में भी 800,000 पद खाली हैं कई सारी जगहों पे, सरकार क्यों नहीं करवाती है फिर? क्योंकि उन्हें भी फ़ायदा होता है, वो अपने रिलेशंस के जो होते हैं उनको बैठा देती है उस जगह, और इससे जो गरीब बच्चे होते हैं या फिर जो बच्चे उसके लायक हैं मगर वो लग नहीं पाते, ये उनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। किस स्कूल में पढ़ते हो? जी, मदन मोहन कलावती CBSE बोर्ड स्कूल है, 11th में हो, क्या नाम बताया? संजीव। बहुत बढ़िया संजीव, ऐसे ही तुम पढ़ो, और सरकारों से सवाल पूछने की हिम्मत हमेशा रहनी चाहिए। कुछ दिनों बाद तुम भी वोटर हो जाओगे और वोट डालोगे, और इन सब चीज़ों को पढ़ते समझते रहो। और भी लोगे, क्या नाम है तुम्हारा? विपिन कुमार। विपिन, क्या करते हो? सिलाई का काम करते हो। पढ़े हो, कितना पढ़े हो? 12th। 12th किया है। फॉर्म वॉर्म भी कभी डाले कुछ? नहीं। सिलाई का काम कितने सालों से कर रहे हो? करीब 2 साल। 2 सालों से कर रहे हो। फॉर्म हम क्यों नहीं डाल पाए, या आगे क्यों नहीं पढ़ पाए फिर? सर ऐसी मजबूरी थी करके उस समय की वजह से। अच्छा, क्या मजबूरी, जैसे कुछ थोड़ा सा? हमारे पिताजी थोड़े परेशान थे पैर। अच्छा। से यूँ करके हमारी स्थिति खराब हो गई थी उस समय। अच्छा अच्छा, और कुछ जैसे अब ठीक है, अब क्या है? आप तो ठीक हैं, हम भी ठीक हैं सब। तुम भी ठीक हो? अब नहीं लगता है कि हमें फिर से पढ़ाई वढ़ाई करनी चाहिए या कुछ आगे और काम करना चाहिए? नहीं सर, वैसे तो प्राइवेट डाल रखती है, परंतु मैं अपना सिलाई का काम ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, सिलाई का काम ज़्यादा पसंद। कितना दिन भर में इनकम हो जाती है? हो जाती है करीब 250-300। कितने साल के हो? 18 साल के हो। बहुत बढ़िया, तुमने अपने घर को पहले संभाला। क्या लग रहा है इस बार कुछ चुनाव वुनाव का, समझते हो? हाँ समझते हैं सर, कुछ भी हो जाए सरकार तो बीजेपी की आनी है। कुछ भी हो जाए सरकार बीजेपी की आनी है, ऐसा क्यों? ऐसा हमारा मानना है, सब हमारे गांव में सबसे ज़्यादा बीजेपी की। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। अभिषेक, क्या करते हो? पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? ग्रेजुएट बोर्ड डिप्लोमा कर रहा हूँ। डिप्लोमा किसमें? सिविल से। अच्छा, तो क्या विजन है, इसके बाद क्या करोगे फिर? इसके बाद जॉब देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब। कौन सी, किस पे डालोगे फॉर्म? JEE SSC। अभी तक एक भी बार नहीं दिया? अभी नहीं दिया। अच्छा, जिस तरह से सरकार का रवैया, ऐसा लग रहा है फॉर्म हम आएंगे लग पाएगी? नहीं आएंगे इस सरकार में, नहीं आएंगे। हमें सरकार चेंज करनी है, लोक दल को वोट देंगे हम। लोक दल को वोट दोगे तो फिर लग रहा है कि सब सीट ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा लोक दल में। लोक दल में पहले भी ठीक था, अब हो जाएगा ठीक इससे आगे। अच्छा, जिस तरह से आप जैसे युवा नाराज हैं, तो सरकार, यही सरकार क्यों नहीं कर दे रही, फिर अगली सरकार क्यों करेगी, या एकदम से कहीं भर्तियां निकल पड़ेंगी? पता नहीं है क्या कर रहे हैं ये, लगा ही नहीं रहे हैं। लोक दल निकालेगा आ गया तो? लोक दल निकालेगा कहाँ से निकालेगा, एकदम झोला है क्या कोई कि एकदम खाली कर देगा? और खाली है ना वैकेंसी, आप खाली पड़ी हैं। अच्छा, तो वो पूरी करी जाएंगी? पूरी करी जाएंगी। वोट वोट बना है? वोट नहीं बना अभी। वोट नहीं, कितने साल के हो? अभी 17.5 साल के हैं। 17.5 साल के हो तो अभी वोट जब करेंगे लोक दल को? सपोर्ट करेंगे लोक दल को हम अभी से। नारे लगाएंगे सब काम करेंगे, आगे बढ़ाओगे लोग? आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, पढ़ोगे नहीं मतलब? पढ़ेंगे, सब काम करेंगे। ठीक है, नेता वेता बनना है राजनीति? नहीं, नेता नहीं बनना है हमें। नेता नहीं बनना? नहीं बनना। क्यों? ऐसे ही नहीं बनना है, नेता इतनी खराब चीज़ है। हाँ सब खराब चीज़ है। अच्छा, गाँव गाँव में प्रधान ये नेता है सब खराब है? प्रधान जी ठीक है हमारे, RLD का जो तुम्हारा नेता है वो भी फिर बेकार है। ठीक है नेता, हमें नहीं बनना ना।